हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट कर दिया है SBI के, और इसी के साथ में आप SBI योनो एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अपने मोबाइल से ही घर बैठे ही किस तरीके से पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। कहने का मतलब है म्यूचुअल फंड को अपने अकाउंट में ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने योनो SBI एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन कर ली है। यहाँ पर मुझसे MPIN मांगा जा रहा है, तो चलिए मैं यहाँ पर अपना MPIN एंटर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना MPIN है वो जो कि मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है, और उसके बाद में यहाँ पर ये एप्लीकेशन यहाँ पर लॉगिन हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट में। अब आपको यहाँ पर जब भी पैसे को विड्रॉल कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानियाँ यहाँ पर बरतनी चाहिए वो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहले था कि अगर आप 1 साल से बाद पैसे को विड्रॉल करते थे तो उस पर लगता था लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन, ठीक है। और इसी के साथ में जो भी म्यूचुअल फंड से पैसे को आप विड्रॉल कर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी टर्म कंडीशंस को समझ लीजिएगा, उसके बाद में ही पैसे को विड्रॉल कीजिएगा। तो पैसा जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मेरा जो म्यूचुअल फंड है वो है SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, ठीक है। अब यहाँ पर ये रेगुलर है, और अगर आपने खुद से कर रखा होगा जैसे कि डायरेक्ट में, ठीक है, तो डायरेक्ट में रेगुलर में सिर्फ कोई अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर है कि अगर आप रेगुलर में करते हैं तो कहने का मतलब है आप एक एजेंट के द्वारा अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप डायरेक्ट के थ्रू करते हैं तो कहने का मतलब है आप खुद से ही NAV को यानी कि म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कर रहे हैं, और आप खुद से ही NAV खरीद रहे हैं। तो जो डायरेक्ट में है वो पैसा यहाँ पर थोड़ा अधिक मिलता है, और आपको रेगुलर में थोड़ा सा कमीशन देना पड़ता है, जिसे बोलते हैं हम जो कि एक्सपेंसेस रेट, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पर रेगुलर में थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो मेरी अमाउंट है 5,03,718 रुपया, और यहाँ पर देख सकते हैं 59 पैसे, जो कि NAV है वो है यहाँ पर 395.24। ये NAV है 400 से पार तक यहाँ पर निकल गई थी अभी, ठीक है। पर अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि सभी म्यूचुअल फंड में यहाँ पर जो NAV है वो घटती ही जा रही है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि जो आपकी NAV है वो घटती ही जा रही है तो वो घटती ही रहेगी हमेशा, ठीक है। वो आपकी NAV यानी कि घटने के बाद फिर आपकी NAV एकदम उछाल मारेगी। जैसे कि मैं आपको इसका जो ग्राफ है वो भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ SBI कंट्रोल रेगुलर प्लान ग्रोथ, ठीक है। इसका आप यहाँ पर ग्राफ देखेंगे, जैसे कि ये अभी वेबसाइट ओपन हो रही है, देख पा रहे हैं यहाँ पर ये लोड हो रहा है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्राफ है वो कितना गिरा है, ठीक है। और इसी प्रकार से ग्राफ यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी गिरा है, उसके बाद में यहाँ पर भी गिरा है, फिर उसके बाद में जो ग्राफ है फिर ऊपर की तरफ उठता भी गया है, ठीक है। तो यही म्यूचुअल फंड नहीं है, सभी म्यूचुअल फंड में है वो यहाँ पर घटता गया है, मैंने जब तक जो कि मैंने यहाँ पर अंदाज़ा लगाया है और इसी के साथ में देखा भी है कुछ म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो अभी भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि यहाँ पर इनका कहना है कि अगर आपने आज की ही डेट में जो कि 2024 चल रही है आज की डेट में, ठीक है, और अगर आपने इसी डेट में 2023 में पैसे को अगर आपने 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ होता तो आपको 44.53 का आपको यहाँ पर रिटर्न मिलता। कहने का मतलब है 1,00,000 पर आपको 44,53 पैसे का आपको यहाँ पर रिटर्न मिलता, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है अगर आप इस पैसे को विड्रॉल कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब आपको जानकारी क्या होनी चाहिए, अब आप यहाँ पर ये देख लीजिएगा जैसे कि जो टैक्स है वो किस तरीके से कटेगा। जैसे कि जो टैक्स है अगर आपका 1 साल हो जाता है तो वो आ जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, तो वो देना होगा 12.5, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सीधे साफ साफ लिखा हुआ भी है, ठीक है।
उसके बाद में आपको 1,25,000 की छूट हो जाएगी। यानी कि मतलब अगर आपने इसमें 3,00,000 रुपए इसमें निवेश किया था और आपको यहाँ पर अगर लगभग 1.5 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है तो 4,50,000 रुपए आपके यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में यह है, अब आपकी जो अमाउंट है 3,00,000 आपने इसमें इन्वेस्ट की थी वो आप निकाल दीजिएगा, उसके बाद में आपका रुपया बचा 1.5 लाख। तो 1.5 लाख में से आप 1,25,000 उसमें से निकाल दीजिएगा क्योंकि इसमें आपको छूट मिली है 1,25,000 की। तो उसके बाद में जो 1,25,000 बचा उस पर आपका लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप 1 साल आपकी नहीं हुई है, ठीक है, तो आपको 20% यहाँ पर टैक्स पे करना होगा। और इसी के साथ में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है और जो आपका प्रॉफिट हुआ है उसमें किसी भी तरीके की छूट नहीं होगी, ठीक है। और उस यानी कि सारे ही पैसे पर आपको 20% टैक्स पे करना होगा। आपको पैसा विड्रॉल करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इसे ओपन कर लेता हूँ। जो मेरी अमाउंट है वो है यहाँ पर 5,03,718.59 पैसे, ठीक है। तो मैं इसे विड्रॉल करने के लिए यहाँ पर ये देखने को मिला है 3 डॉट, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर देखने को मिला है जैसे कि रिडीम नाउ, ठीक है। तो आप इसी पर ही सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि कितना आप पैसा यहां पर निकालना चाहते हैं। जैसे कि यहां पर देखने को मिल रहा है आप यूनिट में पैसे को निकालना चाहते हैं या फिर अमाउंट में, तो वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यूनिट आप पैसे को निकालना चाहते हैं तो आपकी जो यूनिट है वो यहां पर है जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है। और आप यहां पर जैसे कि अमाउंट को ही निकालना चाहते हैं तो आप यहां पर अमाउंट डाल देंगे, जैसे कि 1,00,000 निकालना चाहते हैं या सारा ही पैसा अपना विड्रॉल करना चाहते हैं तो वो आप यहां पर भर लीजिएगा। जैसे कि यहां पर देख पा रहे हैं 500 रुपये से आप कम विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, 1,000 ही कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद में हम बैक करेंगे और आपका यहां पर अकाउंट आ जाएगा जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहां पर अपना अकाउंट ऐड कर देंगे और जो आपका पैसा है वो आप यहां पर देख पा रहे हैं किस डेट में यहां पर आप यानी कि जो म्यूचुअल फंड से आपका कट जाएगा। और इसी के साथ में जो आपका पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में 2 से 3 दिन में पहुंच जाता है। उसके बाद में प्रोसीड पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, आपको यहां पर सारी चीज़ें देख लेना है, आपका सब कुछ सही है डिटेल्स, तो आपको इस पर टिक करना है। इस पर टिक करने के बाद आप यहां पर कन्फर्म पर सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही सिंपली क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहां पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद जो आपका पेमेंट है वो यहां पर सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद में जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में 2 से 3 दिन में ही पहुंच जाता है। तो इस तरीके से आप अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। मैं अभी इस पैसे को विड्रॉल नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो इसकी NAV है वो यहां पर थोड़ी सी डाउन है। जैसे ही इसकी जो NAV है वो थोड़ी हाई हो जाएगी उस समय पैसे को निकाल लूँगा।